नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, विभिन्न बोर्ड एग्जामों के लिए सामान्य साइंस की क्लास, जनरल साइंस की क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। आप सभी हमारे चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक नए अंजाम, एक नए मंजिल तक पहुंचाइए। हमारी शुभकामनाएं कि आपका भविष्य उज्ज्वल होगा। इसी चीज के साथ हम अपने क्लास अगली क्लास की तरफ बढ़ते हैं। पीछे हम लोगों ने एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ एक क्लास किया है, इंट्रोडक्शन क्लास था एनवायरमेंट का। आज एनवायरमेंट की दूसरी क्लास करते हैं। जो साथी नहीं जुड़े होंगे वह एनवायरमेंट के इंट्रोडक्शन क्लास को देख लेंगे वीडियो के माध्यम से, और अपने बेस एनवायरमेंट की बेस को से रिलेटेड टॉपिक को अपना एक बेस अच्छे से तैयार करके अगली क्लास की तरफ बढ़ेंगे। हमें उम्मीद है कि आप सभी को हमारी क्लास पसंद आएगी। पसंद आए तो कमेंट करिए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करिएगा। दोस्तों देखिए, इन्वायरमेंट में आगे बात करते हैं। इन्वायरमेंट की एक यदि सबसे छोटी इकाई की बात करें तो एक सबसे छोटी इकाई होती है इकोसिस्टम। एनवायरमेंट की यहां पहला क्वेश्चन बनता है कि फंक्शनल यूनिट एनवायरमेंट की फंक्शनल यूनिट मींस क्रियात्मक इकाई। एनवायरमेंट की फंक्शनल यूनिट क्रियात्मक इकाई क्या है? तो एनवायरमेंट की फंक्शनल यूनिट या क्रियात्मक इकाई जो है वो क्या कहलाएगा? इकोसिस्टम कहलाएगा, मींस पारितंत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इकोसिस्टम मींस पारितंत्र कहलाएगा। इस इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ कुछ नॉलेज आपके प्रतियोगी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या है इसको मैं बताता हूं। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया, इकोसिस्टम वर्ड का प्रयोग किसने किया, कहा जा रहा है कि ए जी टॉन सले ने जो है 1935 में इकोसिस्टम शब्द का, वर्ड का प्रयोग किया। ठीक है, पारितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? तो किसने किया? ए जी टॉन सले। फिर इकोसिस्टम की स्टडी की बात करते हैं कि इकोसिस्टम की स्टडी, तो इकोसिस्टम की जो स्टडी होती है वो इकोलॉजी से होता है। ठीक है, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो कहा गया अर्नेस्ट, ठीक है, अर्नेस्ट हेकल ने जो है, अर्नेस्ट हेकल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है। ठीक, ये तीन क्वेश्चन हो गए। एनवायरमेंट की फंक्शनल यूनिट क्या है? एनवायरमेंट की फंक्शनल यूनिट है इकोसिस्टम मींस पारितंत्र। पारितंत्र इकोसिस्टम का शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? तो एजी टॉन्सले ने इकोसिस्टम शब्द का पहला प्रयोग किया। स्टडी इकोलॉजी के नाम से की जाती है, ठीक है, परिस्थितिकी के नाम से की जाती है। तो इकोलॉजी की स्टडी किसने की? तो बताया गया अर्नेस्ट हेकले ने इकोलॉजी की स्टडी के बारे में बताया। अब आगे चीजें हैं इकोलॉजी के बारे में कुछ, कि इकोलॉजी के बारे में कह रहा, इकोसिस्टम कह रहा है कि इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम कैन बी स्मॉल आर बिग। इकोसिस्टम जो है वह स्मॉल भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। इकोसिस्टम कैन बी स्मॉल आर बिग, इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। दूसरा चीज अभी छोटा बड़ा मतलब बताएंगे आपको। इकोसिस्टम कह रहा है, यदि छोटे इकोसिस्टम की बात कर लें कि छोटे इकोसिस्टम एक गार्डन है हमारा, और एक बड़ा इकोसिस्टम की बात करें तो ये ओशियन है, रिवर एक बड़ा इकोसिस्टम है, या फॉरेस्ट जो है एक बड़ा इकोसिस्टम है। ठीक है, इकोसिस्टम कैन बी टेम्पररी और परमानेंट,
टेम्पररी और परमानेंट इकोसिस्टम अस्थाई हो सकता है और अस्थाई भी हो सकता है। इकोसिस्टम अस्थाई अस्थाई हो सकता है और अस्थाई भी हो सकता है, ठीक है। इकोसिस्टम कैन बी टेम्पररी या परमानेंट। जैसे एक्वेरियम की बात करें, एक्वेरियम जिस ग्लास जार जिसमें फिश मछलियां पाले जाते हैं, एक तरीके से हम आप लोग अपने घर पर सजावट के रूप में यूज करते हैं, तो वह एक टेम्पररी इकोसिस्टम है। जो जरूरत हो तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। अब परमानेंट इकोसिस्टम की बात करें तो रिवर है, ओशियन है, फॉरेस्ट है, ठीक। ये हमारा क्या परमानेंट इकोसिस्टम। हमारा क्रॉप फील्ड, ठीक, एग्रीकल्चर फील्ड जो 4 से 5 महीने के लिए फसल को उगाते हैं, तो वह क्या है टेम्पररी इकोसिस्टम है। वह क्या है टेम्पररी इकोसिस्टम है, अस्थाई होता है, जो 4 से 5 महीने के बाद जिस इकोसिस्टम को क्या करते हैं डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। बात समझ में आ गई। स्मॉल इकोसिस्टम गार्डन है, पार्क है, ठीक है, ग्रासलैंड स्मॉल इकोसिस्टम है। बिग इकोसिस्टम रिवर है, लेक है, या फिर ओशियन है, फॉरेस्ट है, बिग इकोसिस्टम है। टेम्पररी इकोसिस्टम एक्वेरियम है, क्रॉप फील्ड्स है, मतलब जिसको हम अपनी जरूरत के अनुसार बनाते हैं और फिर नष्ट कर देते हैं। परमानेंट इकोसिस्टम ओशियन है, रिवर है, बिग पॉन्ड्स है, बड़े तालाब है, लेक है, जो काफी लंबे समय तक रहते हैं, वो क्या होते हैं परमानेंट इकोसिस्टम। फिर अगली तीसरी जानकारी इकोसिस्टम के बारे में कह रहा है कि जो इकोसिस्टम होगा, ठीक है, इकोसिस्टम इकोसिस्टम कैन बी इकोसिस्टम क्या हो सकता है नेचुरल होगा, नेचुरल इकोसिस्टम और मैन मेड, ठीक है। इकोसिस्टम कैन बी नेचुरल और मैन मेड। इकोसिस्टम प्राकृतिक हो सकता है, प्राकृतिक इकोसिस्टम जो बात कीजिए पॉन्ड्स है, बिग पॉन्ड्स, बड़े तालाब जो सूखते ना हो कभी, ठीक है, रिवर्स है, ओशियन है, ये नेचुरल इकोसिस्टम आते हैं। मैन मेड इकोसिस्टम अभी बताया हमने, एक्वेरियम है, क्रॉप फील्ड्स है, ग्रासलैंड्स है, गार्डन है, ठीक है, वो क्या होते हैं मैन मेड इकोसिस्टम। तो तीन तरह से इकोसिस्टम बनता है। यदि बात करें कि बिगेस्ट सबसे बड़ा इकोसिस्टम, बिगेस्ट इकोसिस्टम सबसे बड़ा इकोसिस्टम क्या है, सबसे बड़ा इकोसिस्टम, तो सबसे बड़ा इकोसिस्टम क्या है ओशियन है, समुद्र जो है, ठीक है, ओशियन या फिर सी की बात करते हैं, समुद्र जो होता है वो सबसे बड़ा पारितंत्र होता है, सबसे बड़ा इकोसिस्टम होता है हमारी पारिस्थितिकी का, ठीक है। समुद्र हमारे इको पारिस्थितिकी का सबसे बड़ा क्या है पारितंत्र होता है, ठीक। तो इतनी जानकारी, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ इकोसिस्टम के कंपोनेंट की बात करते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको आप सभी। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स, फिर से जो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स बोलेंगे बायोटिक और दूसरा क्या है अबायोटिक, ठीक है। ये क्या इकोसिस्टम बायोटिक और अबायोटिक, इसी से बायोटिक और अबायोटिक से हम एक तरीके से इकोसिस्टम को डिफाइन करते हैं, कहते हैं कि इकोसिस्टम इज द होल बायोटिक एंड अबायोटिक कम्युनिटी इन ए गिवन एरिया, ठीक है। यदि से बताएं तो क्या लिखेंगे कि इकोसिस्टम इज द होल, इकोसिस्टम इज द होल बायोटिक
एंड अबायोटिक कम्युनिटी मतलब समुदाय कम्युनिटी इन ए गिवन एरिया, इन ए गिवन एरिया इकोसिस्टम इज द होल बायोटिक एंड अबायोटिक कम्युनिटी इन ए गिवन एरिया, मतलब बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट मिला के क्या है हमारा इकोसिस्टम है। तो बायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं, यहां पर बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं तो पहला बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, पहला बायोटिक कंपोनेंट होता है प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक होता है, प्रोड्यूसर उत्पादक। दूसरा क्या है कंज्यूमर, कंज्यूमर। और तीसरा क्या है डीकंपोजर, डीकंपोजर। ठीक है, तीसरा बायोटिक कंपोनेंट क्या है डीकंपोजर। प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर क्या है ऑटोट्रोप्स, प्रोड्यूसर क्या है ऑटोट्रोप्स, प्रोड्यूसर क्या है ऑटोट्रोप्स मीन्स ऑपोजिट। और जिसके अंतर्गत आते हैं क्या ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एलगी, ब्लू ग्रीन एलगी या फिर क्या है कुछ फंगस। ठीक है, क्या है फंगस, फंगस की बात नहीं है। चलिए यहां पर क्या है प्रोड्यूसर ऑटोट्रोप्स ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एलगी। ठीक है, मतलब कि विच गिव फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्रकाश संश्लेषण देंगे, जो अपना भोजन खुद से तैयार करेंगे, ठीक है, वो सभी क्या है प्रोड्यूसर कहलाते हैं, उससे भी क्या है प्रोड्यूसर कहलाते हैं। फिर बात आते हैं कंज्यूमर की, तो कंज्यूमर में मीन्स उपभोक्ता, मतलब जो प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूसर को भोजन बनाएंगे, कंज्यूमर जो है वो क्या है जो एक तरीके से प्रोड्यूसर पे हेटरोट्रोप्स, हेटरोट्रोप्स। ठीक है, हेटरोट्रोप्स विषम पोषी, जो अपने भोजन के लिए प्लांट्स प्रोडक्ट पे क्या होंगे एक तरीके से डिपेंड होंगे। तो इसमें कंज्यूमर में पहला है हर्बीवोरस, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस मीन्स शाकाहारी, हर्बीवोरस क्या है शाकाहारी। ठीक है, इन हर्बीवोरस को बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, इसको बोला जाता है क्या प्राइमरी कंज्यूमर्स, हर्बीवोरस क्या कहलाता है प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, प्रथम उपभोक्ता। हर्बीवोरस की बात करें तो हर्बीवोरस कौन है, डियर काऊ, डियर काऊ, बुफेलो, ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर, टिड्डा, रैबिट। ठीक है, ऐसे जीव शाकाहारी है, मतलब जो केवल प्लांट प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, जो क्या करते हैं प्लांट प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, जो केवल साग भात खाए समझो। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं शाकाहारी, हर्बीवोरस कहलाते हैं, मीन्स प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। दूसरा हर्बीवोरस के बाद बात आता है कार्निवोरस, कार्निवोरस मीन्स मांसाहारी, कार्निवोरस क्या होते हैं मांसाहारी। और मांसाहारी को कहा जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं कार्निवोरस मांसाहारी। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस मांसाहारी होते हैं, जो ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल या ईट मीट्स, जो किसी दूसरे जानवरों के मांस खाते हैं वो क्या कहलाते हैं
मांसाहारी कहलाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। तो इसके अंतर्गत यदि बात करें तो फ्रॉग है, ठीक है, फॉक्स है, फ्रॉग है, फॉक्स है, ठीक, कैट है, बिल्ली होगी, ठीक है, ऐसे जीव जो होंगे वो क्या होंगे? कार्निवोरस के अंतर्गत आते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर के अंतर्गत आते हैं, मीन्स कार्निवोरस। फिर इस कार्निवोरस के बाद बात करें तो टॉप कार्निवोरस क्या होगा? टॉप कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस होंगे, ठीक है, मीन्स ज्यादा मांसाहारी। अब ये टॉप कार्निवोरस, ठीक है, टॉप कार्निवोरस जो होते हैं इसके अंतर्गत आता है लायन, ठीक है, लायन, टाइगर, वल्चर, टाइगर वल्चर, ईगल, ऐसे जीव जो होते हैं वो टॉप कार्निवोरस होते हैं। फिर आगे है ओमनीवोरस, ओमनीवोरस जिसको बोलते हैं सर्वाहारी, ओमनीवोरस क्या बोला जाता है? सर्वाहारी, मतलब जो प्लांट प्रोडक्ट्स को भी भोजन के रूप में यूज करते हैं, ईट फ्लैश ऑफ एनिमल्स, जानवरों के मांस को भी भोजन के रूप में यूज करते हैं, ठीक, वो क्या होते हैं? ओमनीवोरस, मतलब जो दोनों चीजें प्लांट प्रोडक्ट्स और ईट फ्लैश और अदर एनिमल्स मीट को कहलाते हैं ओमनीवोरस। जिस ओमनीवोरस के अंतर्गत हम सभी आते हैं, मीन्स ह्यूमन बींग्स आते हैं, क्या होते हैं? ह्यूमन बींग्स आते हैं, मनुष्य आते हैं, बिल्ली मीन्स कैट आता है, क्रो मीन्स कौवा आता है, ठीक है, ऐसी जातियां जो होती हैं वो क्या होते हैं? ओमनीवोरस के अंतर्गत आते हैं। अब ये जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? टर्शियरी कंज्यूमर, टर्शियरी, ठीक है, टर्शियरी कंज्यूमर्स क्या कहलाते हैं? टर्शियरी कंज्यूमर्स मीन्स तृतीयक उपभोक्ता, टर्शियरी कंज्यूमर्स क्या कहलाते हैं? तृतीयक उपभोक्ता। तो ये कंज्यूमर्स हर्बीवोरस, कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस या फिर ओमनीवोरस, तीन कैटेगरीज में है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं अजैविक घटक, इसमें इसकी बात, डीकम्पोजर जिसको एक तरीके से कहा जाता है स्क्वेंजर, स्क्वेंजर अपघटन करता कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अपघटन, अपघटन करता स्क्वेंजर। ये माइक्रो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होता है, संफंजाई होते हैं, ठीक है, मतलब जो एक तरीके से जो डेड रिमेनिंग पार्ट्स, मतलब हर्बीवोरस या कार्निवोरस या टॉप कार्निवोरस या ओमनीवोरस के अवशेष बचे रहते हैं हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरमेंट को में, उनको डीकम्पोज करके उस सॉइल में क्या कर देते हैं? मिक्स कर देते हैं, और सॉइल में मिक्स करके हमारे एनवायरमेंट को क्या कर देते हैं? क्लीन कर देते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डीकम्पोजर कहलाते हैं, और इनको क्लीनिंग एजेंट ऑफ द एनवायरमेंट भी कहलाता है, कहा जाता है, मीन्स हमारे पर्यावरण के सुरक्षात्मक घटक, ठीक है, क्लीनिंग एजेंट, स्वच्छ करने वाले घटक जो होते हैं वो क्या आते हैं? डीकम्पोजर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एक तरीके से इनकी बात करें तो ये सैप्रोफाइट्स होते हैं, मृतोपजीवी के अंतर्गत इनको कह सकते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है, मृतोपजीवी, मृतोपजीवी
क्योंकि ये डेड लिविंग बींग्स मीन्स डेड प्लांट्स या एनिमल्स के अवशेष पे अपना जीवन निर्वहन करते हैं, तो इस कारण इनको बोला जाता है क्या, मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट्स। ये क्या रहते हैं, क्या, डीकम्पोजर। तो यहाँ इकोसिस्टम के इस घटक के बारे में बताया गया कि इकोसिस्टम क्या था, होल बायोटिक एंड एनाबायोटिक कैविटी ने गिवन एरिया, दो कंपोनेंट बायोटिक एंड एनाबायोटिक। बायोटिक के कंपोनेंट बताए गए प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर मीन्स ऑटोट्रोप्स, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी व्हिच गिव द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस या हु प्रिपेयर देयर ओन फूड। कंज्यूमर्स हेटरोट्रोप्स आते हैं, जिन कंज्यूमर के अंतर्गत हर्बिवोरस, कार्निवोरस, स्टार कार्निवोरस और ओमनिवोरस की बात की गई। मीन्स शाकाहारी प्राइमरी कंज्यूमर, मांसाहारी सेकेंडरी कंज्यूमर और डार्क कार्निवोरस या फिर ओमनिवोरस सर्वाहारी टर्शियरी कंज्यूमर तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, इस तृतीय उपभोक्ता के बाद यहाँ बायोटिक के तीसरे कंपोनेंट डीकम्पोजर, जिसको बोला गया स्पंजर एक तरीके से। ये डीकम्पोजर मीन्स अवघटन करता, जो हमारे सराउंडिंग हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, बैक्टीरिया फंजाई इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, और ये क्या होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं, मृतोपजीवी, क्योंकि डेड लिविंग बींग्स, डेड ऑर्गेनिज्म प्लांट्स या एनिमल्स की बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, एनवायरमेंट को हमारे क्लीन करते हैं। तो यदि हमारी क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और भी लोगों को हमसे जोड़ने का प्रयास कराइएगा। आप सहयोग दीजिए हमको, हम भी आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक तैयार करेंगे। इसी तरह से रेगुलर किसी ना किसी क्लास के साथ हम आपसे जुड़ेंगे और आप भी हमसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद। अतुल पांडे, क्लासेस फॉर जनरल साइंस।